गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2014 कृष्णा मूर्ति परचेस्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इन टेलको लिमिटेड। टेलको के शेयर हैं, कृष्णा मूर्ति इन्वेस्टर हैं, एट 120 ईच फ्रॉम अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ही इनकर्ड 50 पैसे पर रुपीज हंड्रेड एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टाम्प ऑन 31 जनवरी। बोनस वॉज डिक्लेयर इन द रेशियो 1:2 बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस। द शेयर वर कोटेड एट ₹175 पर शेयर एंड 90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2015 मिस्टर कृष्णामूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। So the investment account in the books of Mr. Krishnamurti, who held the share as current assets and closing value shall be made at cost or market value whichever is lower। अगर ये लाइन लिखी भी नहीं हो तब भी हमको AS 13 के हिसाब से करंट इन्वेस्टमेंट के केस में कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever is lower ही करना है। चलिए सो करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे ये किसकी बुक्स हैं, ये कृष्णा मूर्ति की बुक्स है। कृष्णा मूर्ति की बुक्स में ये किसमें है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इक्विटी शेयर्स ऑफ टेलको लिमिटेड। ठीक है, हर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 3 कॉलम आपको बनाने हैं। शेयर के केस में चाहे बॉन्ड हो 3 कॉलम आप बनाएंगे। शेयर के केस में आप यहां लिखें नंबर ऑफ शेयर्स, यहां लिखें डिविडेंड और यहां लिखें अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, अमाउंट। ठीक है, नीचे आपके वर्किंग नोट्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन देखें, 1 अप्रैल को इन्होंने 1000 शेयर परचेज किए हैं। ठीक है, सो 1 अप्रैल 2014 टू बैंक करके शेयर आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 1000। एक वर्किंग नोट आएगा कॉस्ट 1 अप्रैल 2014 की कितनी होगी। 1000 शेयर ₹120 पे लिए हैं, ये हो जाएगा 1,20,000। ब्रोकरेज दिए इन्होंने एट द रेट ऑफ 2%, तो ये हो जाएगा हमारा ₹2,400। और दिया इसके अलावा कुछ, 50 पैसे पर 100 प्लस स्टाम्प 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.50 100 1,23,000 की है हमारी शेयर खरीद लिए हमने। आगे ऑन 31 जनवरी 2015 बोनस वाज डिक्लेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। ओके, सो अब बोनस शेयर आ गए इनके पास कितने, हर 2 शेयर पे 1 शेयर मिला है
तो 500 शेयर इनके पास बोनस शेयर आ गए। तो ये 31 जनवरी 2015 को बोनस शेयर आ गए 500। इनकी कॉस्ट कितनी रहेगी? नील, बताया था मैंने बोनस की कॉस्ट नील रहती है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2015 कृष्णामूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ओके, कृष्णामूर्ति ने ये बेच दिए, ठीक है। तो देखें कितने पे बेचे हैं। अब आया बिफोर, जो बोनस था, जो प्राइस थी वो कितनी थी? 175। आफ्टर बोनस जो प्राइस है वो हो गया 90। सोल्ड बोनस से कितने पे? 90 × 500, 45,000 पे हमने बोनस शेयर बेचे हैं। इसने ब्रोकरेज भी चार्ज की है, ये हमारी 44,100 पे हमने बोनस शेयर बेच दिए, यानी कि 500 शेयर बेच दिए हमने, ठीक है। ये कब बेचे लिखा नहीं इन्होंने, तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये 31 जनवरी को ही बेच दिए उन्होंने, ठीक है। अब 31 मार्च को मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 1,000 शेयर, ठीक है। चलिए दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो ये जो बोनस शेयर बेचे हैं इनमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, और 1,000 शेयर की वैल्यू कितनी है। तो एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं कॉस्ट का, यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। परचेज की हमने 1,000 शेयर, इनकी अमाउंट है 1,30,000। बोनस शेयर आए हमारे पास 500, इनकी अमाउंट 0 है। अब मेरी 1,500 शेयर की कॉस्ट हो गई 1,30,000। सोल्ड कर दिए मैंने 500 शेयर, तो क्लोजिंग बैलेंस बचा मेरे पास 1,000 शेयर का। जब मैं इसकी प्रोपोर्शनेट करूंगा तो ये 41,000 आएगा और ये 82,000 आएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट ऑफ जो मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है उसकी कॉस्ट है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर 44,100 तो मेरी सेल वैल्यू है और 41,000 उसकी कॉस्ट है, तो 3,100 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट ऑन सेल थर्टी वन हंड्रेड ये मैं ट्रांसफ़र कर देंगे 31 जनवरी को। अब क्लोजिंग शेयर्स की जो कॉस्ट है वो तो कितनी है? 82,000। और जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 90,000। तो वैल्यूड करेंगे कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। बस ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। आई होप समझ आया होगा। चलिए थोड़ा और करेंगे क्वेश्चन और समझ में आएगा।